हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इवो क्रियो के सफर में। और इससे पिछले बार हम लोगों ने कोपला केव में, यानी कि उस खतरनाक गुफाओं में, बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रियोज को देखा था। और उसमें से हम लोगों ने एक दो को पकड़ भी लिया हुआ था, जिसमें से हमने पकड़ा था नूरोह को और फिर एक इलोवियान को। हम लोगों ने उसके आगे वाला आखिरी शहर में, जो कि फॉर्चुना सिटी था, वहाँ से हम लोगों ने पकड़ लिया हुआ था। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था पोकेमॉन लीग को, यानी कि वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग पोकेमॉन मास्टर, यानी कि इवो क्रियो मास्टर यहाँ पे बोला जाता है, वो बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों के पास होने चाहिए थे 6 के 6 चाबी, क्योंकि हमारे पास अभी तक सिर्फ 2 ही चाबी है, तो हमें एंट्री अंदर में नहीं मिल सका। तो इसलिए हम लोगों को अब पूरे सफ़र को कंटिन्यू करना होगा। और इसके बाद हम लोगों ने अभी तक प्लांटाई अरेना में हराने के बाद वहाँ की रैड को भी हरा दिया हुआ है, यानी रीजनल अरेना डिफेंडर, जो कि अरेना को डिफेंड करते हैं। और उससे हमें पहला जीनित की मिल चुका था, और फिर उसके बाद दूसरा जीनित की हमें यहाँ पर मिल चुका है कार्बन अरेना में, यानी रॉक टाइप जिम एक तरीके से बोला जा सकता है। उसमें हराने के बाद हम लोगों ने यहाँ कभी रीजनल अरेना डिफेंडर को हरा दिया हुआ है, तो हमें 2 चाबियाँ मिल चुकी है। लेकिन इस पूरे पीस को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 और चाबियाँ चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन मेट्रो शहर में। तो उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते, हम लोग टेलीपोर्ट भी हम लोगों ने सीख लिया हुआ था, लेकिन उसके लिए हम लोगों को अनलॉक करना होगा मतलब इलेक्ट्रॉन रीजन का टेलीपोर्ट वाला पोर्टल। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग चलते हैं अब सफर करते हैं आगे की ओर। तो हमारा ये जो रिसॉर्ट है वो जानता है राइड हमला जानता है, तो हम लोग इसे आगे में कर लेते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों को इसकी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए और अच्छे खासे स्किल्स खोलेंगे थोड़े थोड़े पे। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड हमारी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे आ चुके हैं। ये मैस्ट्रो है, जो कि हमें स्टार्टिंग में ही बहुत 50 एकड़ के जंगलों में ही स्टार्टिंग में मिले हुए थे। आप लोगों को अगर पता होगा, अगर आप लोग बहुत पहले से ही देख रहे हो, तो बोल रहे कि तुम्हें दोबारा देख कर बहुत अच्छा लगा। तो बोल रहे कि देखते हैं कि तुमने कुछ नया सीखा भी है या फिर बस वैसे ही घूम जा रहे थे। चलो हम लोग दिखाते हैं अपनी ताकत को, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। लेकिन वैसे ही चलो, इनके पास होने वाला है फ्यूरेन। ओ, इससे पहले इसके पास था डियोर था। ओ, सर चकरा चुका है हाइड्रोप्लेन हमले से, कोई बात नहीं, गीगा ब्लास्ट जानता है ये भी, लेकिन अच्छा खासा हम लोगों ने डैमेज दिया इसे। चलो पैक का हमला बहुत बेहतरीन। चलो अब इसके पास होने वाला है रेबास, और इसका लेवल अप हो जाएगा मेरे ख्याल से, एक और लेवल अप हो जाएगा अगर इसे हराने के बाद, मेरे ख्याल से, देखते हैं। शायद चलो ये वाला हमला कर देते हैं, अवलांच सबसे ताकतवर हमला कर देते हैं डायरेक्ट, एक बार में ही जाएगा, एक बार में नहीं मर रहा है, जितना हम लोगों ने सोचा था उतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा इसे मारना। ओके, ओ ब्लीडिंग बीच में होते हैं, हम लोग ब्लीडिंग हो सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके गया ये, ओ हार्ट फ्रॉम ब्लीडिंग से भी डैमेज पड़ता है, इसमें पॉइजन होते हैं, बर्न होते हैं और ब्लीडिंग। ओके लेवल अप हो चुका है। ओके नया हमला खुला है, वेव हमला खुला है डियोर को इस बार भेजने वाले। इनके पास 3 आ चुके हैं, रेबास, फ्यूरेन और फिर डियोर, तो मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चलो देखते हैं, अपने जो उस खतरनाक गुफाओं से हम लोगों ने इस वाले क्रियो को पकड़ा था, तो इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, देखते हैं इसका ताकत आजमाते हैं, ये वाकई में ताकतवर है या फिर बस दिखाने के लिए था वॉर्टक्स। ओह नो 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 नो, इससे डैमेज नहीं पड़ा। इसके डिस्क्रिप्शन मैंने देखा था, वो एक अलग दुनिया में उसे खींच कर ले जाता है और फिर बहुत तगड़ा डैमेज देता है। ये गामा है, जिससे कि ये पॉइजन हो जाएगा। ओह इतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितना हम लोग सोचे थे कि 1 हिट जाएगा, लेकिन 1 हिट नहीं जा रहा है, मतलब हम लोगों को अभी और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। अभी ये क्रियो वगैरह ज़्यादा ताकतवर नहीं है, देखेंगे इसमें अगर लेजेंड्री क्रियो होगा तो लेजेंड्री क्रियो को भी पकड़ेंगे, क्योंकि लेजेंड्री नॉर्मल से ज़्यादा ताकतवर होंगे। बोल रहा कि तुमने तो काफ़ी कमाल की प्रोग्रेस कर ली हुई है। हाँ भाई, ये तो कुछ भी नहीं, क्या तुम ट्यूटोरियल ऐप को देख रहे थे जो कि मैंने बनाया था? ओके उसमें लिखा हुआ है कि तुम कैसे जीनीथ में जा सकते। ओके ओहो ठीक है, हम लोग समझ गए। और बोल रहा है कि क्रियो एले जो कि शानदार क्रियोज वगैरह को बेचते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अच्छे खासे पैसे नहीं है, इसलिए हम लोग खरीद नहीं पाए थे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली बार, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओ ये लड़की है कोई, देखते हैं इससे बातें करते हैं। क्या तुमने प्राइम क्रियो के कहानियों के बारे में सुना है, किस्सों के बारे में? हम लोग इस दुनिया में बिल्कुल नए हैं, तो हमें नहीं पता प्राइम क्रियो क्या होते हैं। प्राइम का मतलब होता है मुख्य, मतलब ऊपरी दर्जे के, मेरे ख्याल से हो सकता है, देखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वो असली क्रियो है जो कि दूसरे डायमेंशन से आए हैं, और वो हर एक क्रियो की बीज है,
मेरा कहने का मतलब है दूसरे सारे क्रियो उससे जन्मे हैं, एक तरीके से बोला जा सकता है। ओ भाई, इसका मतलब प्राइम क्रियो लेजेंड्री बोला जा सकता है उसे। प्राइम क्रियो इसमें लेजेंड्री नहीं होता, इसमें प्राइम होते हैं। प्राइम प्राइम यानी कि सबसे ऊपर दर्जे का, प्रमुख। ओ भाई, अब तो लगता है कि हम लोगों को एक दो हाथ में मतलब लेना पड़ेगा प्राइम क्रियो को। चलो चलो, ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन मेट्रो में पहुंच जाएंगे। मेट्रो सिटी होने वाला है, इलेक्ट्रॉन मेट्रो जो भी हो, इलेक्ट्रॉन सिटी जो भी हो, ओके। ओ, इस घाटियों में मतलब है, गायब मत हो जाना या फिर जो भी हो। ओ, टाकू आ चुके हैं जो कि हम लोगों को लार्गो ब्रिज के स्टार्टिंग में ही मिले थे। तो इसका बैटल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा था। बोले कि याद है कुछ? हाँ हाँ याद है, हम लोग कैसे भूल सकते हैं वाला। मैंने तुम्हें देखा, तुम रॉक टाइप अरेना में बहुत अच्छे तरीके से लड़ा तुमने। हाँ हाँ, यू रॉक्ड। ओह, रॉक को डाल डाला भाई, ये लोग वैसे ही बोलते हैं। उस इससे पिछले बार प्लांट टेस्टिक बोले थे, जब हम लोग प्लांट अरेना में हरा चुके थे, तो प्लांट टेस्टिक फंटेस्टिक को प्लांट टेस्टिक एक नए अंदाज में बोला था। तो ये लोग काफ़ी स्टाइल मार रही है। चलो, ओ फेरो को इन्होंने लेवल अप कर लिया है। एलिकेट इनके पास पिछले बार भी था। ओ नो, डैमेज बहुत कम दे रहा है, हमने सोचा नहीं था। और हमारा ब्लीडिंग भी था काफ़ी ज़्यादा, वही ये लोग डैमेज वगैरह दे रहे हैं। ओ नो, मेरे ख्याल से हम लोगों को अब क्रियो चेंज करना चाहिए था। ओ भाई, हमने इलेक्ट्रिक टाइप के खिलाफ पैरालाइज कर दिया भाई। चलो हाइड्रोप्लाइन से खत्म करते हैं, मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। ओ कोई बात नहीं, हम लोग को एक्सपीरियंस वैसे चाहिए ही। चोच वाला हमला मेरे ख्याल से जाएगा। हाँ, चोच वाला हमला सुपर इफेक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी था। फायरो, अब फायरो को हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके पास सिर्फ दो ही क्रियो होने वाले थे, यही दोनों क्रियो को ये आगे बढ़ा रहा है मेरे ख्याल से, ताकतवर बना रहा है सिर्फ। चलो, मियास्मा से इसे पॉइजन कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद खुद ब खुद डैमेज खाएगा, क्योंकि ओ अपना स्पेशल हमला कर दिया। हम लोग जाएंगे हो सके तो, बैडली बर्न होता है उससे, 100% चांसेस मेरे ख्याल से बैडली बर्न होने का। चलो, अब हीलिंग स्प्रिंग कर देते हैं, इससे शायद हम लोग छुटकारा पा लेंगे बैडली बर्न से। हाँ, बैडली बर्न से हम लोग छुटकारा पा चुके हैं। ये कमाल का मतलब रिकवर वाला चार्ज है। ओ, एवलांच अभी तक नहीं चार्ज हुआ है। चलो, हाइड्रोप्लेन से देखते हैं। ओ ख़त्म, आखिर में एक बार में ये ख़त्म हो चुका है। ओके, और मुझे लगा कि मैंने अपना पेस्ट दिया। भाई साहब, हे, क्या तुम्हारे पास माई फेस पेज है? ओ, और क्या तुम्हारे पास चिरपर अकाउंट है? नहीं भाई, मैं सोशल मीडिया ऐप अभी इस्तेमाल नहीं करता वैसे। कुछ खास मेरे पास नहीं है, मतलब ये सभी अकाउंट्स वगैरह नहीं है मेरे पास, जिससे कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन छोड़ो भैया, हटाओ, कौन रखता है भाई इस ज़माने में माई फेस और चिरपर अकाउंट, कौन रखते हैं बताओ तो। ओके, ओ नहीं बताओ, मत बताओ मुझे, जो भी हो। मैं ढूंढ लूँगा, इससे मुझे और भी ज़्यादा मजा आएगा। भाई मेरे पास है ही नहीं, माई फेस अकाउंट है ही नहीं मेरे पास, सच में नहीं है मेरे पास, नहीं है। और चिरपर अकाउंट भी नहीं है। चलो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओ एलिकेट, इससे पिछली बार हम लोग नहीं पकड़ सके थे इसे, और इस बार कोशिश करते हैं पकड़ने का। चलो, इस बार हम लोग मेरे ख्याल से इस बार हम लोग कमज़ोर को रखते हैं, ये कमज़ोर होने वाले हैं, तो रसौर्थ को रखते हैं थोड़ा सा, और सेव कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, बहुत बेहतरीन। अब चलो, एक बार एलिकेट आ जाए हाथ में, कौन था देखते हैं कौन आने वाले हैं। ओ, ये होने वाले हैं टॉक्सी फॉली। चलो भाई, इसको हम लोग पकड़ सकते हैं, 7 लेवल का ही है, तो इससे भागना ही सही रहेगा। हम लोग वहाँ पे आ चुके थे। ओके, अब चलो एलिकेट को देखते हैं। एला कैट होने वाला है इसका नाम, मैं एलिकेट ही से बोल रहा था, ईला कैट छोड़। चलो, ईला कैट आ चुका, 9 लेवल का ही होने वाला है, लेकिन चलो कलेक्शन के लिए तो वही होना चाहिए। चलो, इस पर हम लोग पानी वाला हमला करते हैं, सुपर इफेक्टिव नहीं होगा पानी वाला, तो ये बच भी सकता है। ओ बच गया भाई, बच गया, क्लियर कर दिया। अब मेरे ख्याल से एक लिंक में आ जाएगा, कमज़ोर होने वाला है, कम लेवल का है, तो ये एक लिंक में ही आ जाएगा। हमारे पास दो डोमिनस लिंक है, तो मेरे ख्याल से प्राइम क्रियो को पकड़ने के लिए बेस्ट होगा। प्राइम क्रियो वैसे देखते हैं, उसके बारे में हम लोगों को और भी आगे आने वाले वक्त में शायद पता चलेगा। और इलेक्ट्रॉन मेट्रो में ऐसा बोला गया था हम लोगों को, फार्मर्स के द्वारा स्टार्टिंग में ही बोला गया था, इलेक्ट्रॉन मेट्रो में एक म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से ही। मतलब वैसे म्यूज़ियम मुझे वो वाले म्यूज़ियम ज़्यादा पसंद है जिसमें डायनासोर्स वगैरह के कंकाल वगैरह होते हैं, स्केल्टन्स वगैरह होते हैं। तो क्रिस्टेन ब्रोबर्ग आ चुकी है, ये बोल रही कि मैं म्यूज़ियम को देखने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉन मेट्रो में, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। अरे भाई, मैं नहीं रोक रहा, मैं भी वहीं पे जा रहा था। चलो, हम लोग साथ में चलते हैं। अरे भाई, ये बैटल ही करेगी मेरे ख्याल से, इसे लग रहा है कि हम लोग रोक रहे हैं बेचारी। चलो कोई बात नहीं,
हम लोग इसे हराते हैं। सबसे पहले लायंस हमला करते हैं, नहीं मिस होता है, ये बहुत ज़्यादा मिस होता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है मेरे ख्याल से। पानी वाले हमला करते हैं, ओ 55 का डैमेज एक बार में गया ये। रसौर्थ काफ़ी अच्छा खासा फायर टाइप हो सकता है, ये लावा के ऊपर भी तैर सकता है। मुझे नहीं पता कि इसमें लावा कैसे, मतलब किस एरिया में होने वाला है और किस किस जगह पे काम आने वाला है। वैसे चलो प्योर था ये वाला, ये जेनेटिकल या ये साइनी लग रहा है, हल्का सा इसका रंग अलग है। इन लोगों के पास भी साइनी वगैरह होते हैं, मुझे नहीं पता था। हम लोगों के पास ही सिर्फ साइनी नहीं है, एक पल्लो है सिर्फ, जो कि कीड़ा वाला क्रियो है और जो कि बहुत कमज़ोर है, इसलिए हम लोगों ने उसे नहीं लिया हुआ है, नहीं तो उसे भी रख सकते थे। ओ अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकी तो मैं शायद वहाँ तक नहीं पहुँच सकूँगी, इलेक्ट्रॉन मेट्रो के म्यूज़ियम तक। अरे भाई ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ओह तो ये बोल रहे कि वहाँ पे बहुत ही महंगे महंगे आर्टिफैक्ट्स है, यानी सामान है इलेक्ट्रॉन म्यूज़ियम में, यानी कि वहाँ पे चलो हम लोग देखेंगे क्या क्या होने वाला है। ओके इसमें कौन कौन से, यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे, यहाँ पे सिर्फ घास है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये सब एलिकेट हम लोगों ने एक पकड़ लिया हुआ था, देखते हैं इसका लेवल कितना होने वाला है। अगर इसका लेवल और स्टार्ट ज़्यादा हुआ तो हम लोग इसे भी पकड़ लेंगे, लेकिन लिंक हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लिंक हमें बाई करना होगा। और हमारे पास 9 लेवल का ही है भाई, उतने ज़्यादा लेवल के नहीं थे ये। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अलग ये लेजेंडरी लग रहा है थोड़ा सा, मस्ट गॉड भाई, देखते हैं इसे भी पकड़ लेंगे हम लोग। एक दो अच्छे खासे अपनी टीम में होने चाहिए। अरे भाई ये तो 5 लेवल का, एक हमले में ही जाएगा ये, 5 लेवल का ही था वो भी, लेकिन देखने में अच्छा खासा लग रहा था, तो मैंने मुझे लगा कि ये लेजेंडरी हो सकता है, लेकिन लेजेंडरी नहीं था। ओ एक और आ चुका है, ये एक और टैबलेट हमें 50 एकड़ के जंगलों के सीक्रेट एरिया में मिला हुआ था, तो वो हमें शायद कितने साल में, 2786 साल पहले का था। ये कितने का होने वाला है, ये 2883 साल का है, 2883, और इससे पिछले हम लोगों को मिला था 2786, यानी कि 107 ईयर्स का अंतर है लगभग। ओके ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ दशकों से ऐसा देखा जा रहा है कि जंगली क्रिएचर्स अपने आप को राजा के पास मतलब पेश कर रहे हैं अपने मर्जी से। ओके ठीक है, और हमारे राजा ने सभी लोगों को, उस क्रिएचर्स को पालतू बनाना सिखाया, और अपने उन सभी जिन लोगों ने सीखा उनसे, उन्हें इवोकर नाम दिया। हम भी एक इवोकर है, लेकिन हमें आता है पालतू बनाना वैसे ही खुद से ही। राजा कौन आने वाला देखते हैं। और क्रियो और अल्फाइट्स का जो बंधन था, उससे सिर्फ ना कि सिर्फ क्रियो को ही फायदा हुआ, बल्कि अल्फाइट्स को भी उतना ही फायदा हुआ था। अल्फाइट्स इसे पिछले बार हम लोग देखा था कि एक क्वायह नाम का आदमी था जिन्होंने लिखा हुआ था 2786। हम लोग को नहीं पता कि हम लोग किस साल में है अभी इस गेम के अंदर, तो मेरे ख्याल से उन्होंने लिखा हुआ था कि राजा जो भी थे, भाई अब देखते हैं, राजा को ताकतवर बनना था इसीलिए वो लोग इस क्रिएचर्स को टेम पालतू बनाना चालू कर चुके थे। सब कैसे कैसे क्रियो वगैरह है भाई, देखना है हम लोगों को, हर एक क्रियो को देखते रहना है। इस बार हम लोग मिस नहीं करना चाहते हैं कि कोई भी प्राइम क्रियो हो सकता है इन सभी में से, तो हम लोग किसी को मिस नहीं करना है। ओके इनके पास 4 स्टार है, लेकिन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो मेरे ख्याल से पकड़ने का उतना फ़ायदा नहीं होगा। ये प्राइम क्रियो लग भी नहीं रहा है, नहीं तो फिर देखते हैं। ओ ये कौन है, पियान, क्या हमें एक गेम खेलना चाहिए? चलो हाँ चल दो, देखते हैं इसके पास कैसे होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन मेट्रो में बस एक बार पहुंच जाए तो म्यूज़ियम में हम लोग जा सकेंगे, और म्यूज़ियम में देखते हैं कैसे कैसे कमाल के आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो हम लोगों को अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। पेक हमला जानता है, ये फर्नेस है मेरे ख्याल से, ये फ्यूरेन का इवोल्यूशन है। हम लोगों का रसार्थ में बदला डियोर, हम लोग चाहते थे पानी वाले में बदलने का। रैडो काला चूहा होने वाला है, तो ये एक मतलब फायर टाइप के पास वाटर टाइप हमला, क्योंकि ये पहले वाटर टाइप हमला सीख चुका था डियोर में ही, तो इसीलिए इसके पास वाटर टाइप हमला है। आर्मोनिया, मेरे ख्याल से आर्मोनिया कोई बात नहीं, चलो आर्मोनिया का भी देखते हैं। ओ ये वाला है, मेढक वाला है, तो ये लाइट और डार्क दोनों टाइप है भाई। वो नहीं गया एक बार में, मुझे लगा था जाएगा। हेडबट का हमला किया, हेडबट काफ़ी तगड़ा हमला होता है, लेकिन उससे वो खुद कन्फ्यूज भी हो सकता है, खुद को कन्फ्यूज कर सकता है। लैंस से हम लोगों ने मारा, अब इनके पास भी रसार्थ होने वाला है, देखते हैं।
चलो मेरे ख्याल से हम लोगों को अब अपना स्पेशल हमला करना चाहिए जिसे एक बार में ही हो जाए। इनके पास स्टार काफ़ी ज़्यादा था, 8 स्टार का मेरे ख्याल से है। ओके, हम लोग हरा चुके हैं डियान को, देखते हैं। तुमने पक्का चीटिंग की है, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। ओ भाई, हार गए तो अब चीटिंग बना दिया। ओहो, ऐसी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोगों ने हरा दिया। ये भी वही वोल्क, ये कौन है? ओके देखते हैं, पैट्रीन, ठीक है। मैं पैट्रीन हूँ, मास्टर इलेक्ट्रीशियन जो भी हो। देखते हैं। ओके, इनके पास सिर्फ एक क्री होने वाला है, इला कैट होने वाला है। चलो इसे एक बार में हराते हैं हम लोग। ओके, 133 का डैमेज हम लोगों ने दिया, काफ़ी अच्छा खासा। चलो हार चुके हैं ये। ओ ओके ओके ओके, इसका जो टीचर है वो इलेक्ट्रॉन मेट्रो शहर में है। वो अर्मोनिया है ये शायद, देखते हैं। इसके पास अच्छे खासे मतलब होंगे, क्योंकि ये इवोकर मास्टर था। आपको पता होगा इवोक्रियो जो मास्टर था हाफिज, उसके पास भी एक अर्मोनिया था, यानी कि अर्मोनिया ताकतवर हो सकता है। चलो एक बार पकड़ लेते हैं इसे। नौ गया, बहुत कमज़ोर है इसलिए हम लोग पकड़ भी नहीं सकते इसे। जंगलों में कहीं पर खो गया। टॉक्सीफॉली, ये शायद टॉक्सीफॉली था। ओ देखते हैं ये कौन आने वाली है। ओ लैला गीजलर। ओके, मैं अपने भतीजी को इलेक्ट्रॉन मेट्रो के स्कूल में ले जा रही हूँ। ओ इलेक्ट्रॉन मेट्रो में एक स्कूल भी है, वाओ। ओ और मुझे पता है कि एक इवोक्रियो मैच में कैसे जीतना है, और उसे मैं दिखाऊंगी कि कैसे जीता जाता है तुम्हें हराकर। इसकी वो बगल में जो खड़ी थी वो शायद इसकी भतीजी थी, तो ये अपनी भतीजी को दिखाना चाहती है कि मतलब कैसे इवोक्रियो मैच खेला जाता है। लेकिन चलो हम लोग ही दिखा देते हैं कि कैसे खेला जाता है असली मैच। ओ 1 HP बच गया, बहुत अच्छे। एक और पानी वाला हमला करते हैं। चलो अब हम गीगा ब्लास्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओ डियोर होने वाले हैं इनके पास, डियोर जो कि रसौर्थ हम लोग इवॉल्व हो चुका। ओहो, चलो गीगा ब्लास्ट एक बार ख़त्म हुआ। इसके आखिरी क्रियो कौन से होने वाले हैं देखते हैं। देख लो, इनकी भतीजी देख रही होगी तो वो भी सोच रही होगी कि भाई कैसे हार रही है मेरी चाची। जो भी हो, अरे बस। ओके चलो अब लैंस हमला करते हैं। 43 का डैमेज दिया। ओ लीफ डार्ट जानता है ये, अर्थ टाइप अटैक है लीफ डार्ट, जो कि हमारा मालीसा जानता था, मालीसा को, लेकिन हम लोगों ने रिलीज कर दिया क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था, उसकी डिफेंस और HP बहुत कम थी। ओ मुझे उम्मीद है कि उसने देखा नहीं होगा, भाई वो बगल में ही खड़ी है तो ज़रूर देखी होगी मेरे ख्याल से। देखते हैं। ओ कुत्तों का उसुई। ओ मेरी आंटी मुझे सिखा रही है कि कैसे ओ एक प्रो की तरह इवोक्रियो मतलब मैच खेला जाए। देखना चाहते हो? हाँ भाई दिखाओ, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें क्या सिखाया है। इसके पास सिर्फ एक क्रियो होने वाला है, फ्यूरेन होने वाला है। चलो इसे एक बार में ख़त्म करते हैं और दिखाते हैं कि असली भाई असली मास्टर कौन है। अब चलो, अब प्रो बन रहे थे ना हम लोग, लेजेंड है। कोटो का उसी गई फालतू का। ओ तुम मज़ेदार नहीं हो। ओ बेचारी बच्ची का हम लोग ने दिल तोड़ दिया, लेकिन मज़ा आता है कभी कभार। ओ तुम मुझे जीतने दे सकते थे। अरे भाई पहले बोलना था कि हम जीतने दे सकते हो। ओके यहाँ पे कोई एक बूढ़ा खड़ा है, लेकिन ये ओके ग्रेवायर की तरह हल्का सा लग रहा है। चलो फिर भी देखेंगे हम लोग। ओके वेल नॉट होने वाले भाई, अखरोट की तरह, लेकिन यहाँ पे 2 स्टार वाले मिल रहे हैं मेरे ख्याल से। अब हमारे ख्याल से हम लोग मेट्रो शहर में आ चुके हैं। चलो इनसे देखते हैं, बातें करते हैं क्या बोल रहे हैं। ओ ये बैटल नहीं करेगा। स्कोर्रो, नाम तो सुना ही होगा, मैं हूँ इवोकिंग मास्टर। ओके तो ये हाफिज की तरह ही एक इवोकिंग मास्टर है। मैंने साल भर की मेहनत से बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भाई किस तरीके का ज्ञान ये प्राप्त किया? मुझे हराओ और मैं तुम्हें ज्ञान का तोहफा दूंगा। ये कौन से तोहफे की बात कर रहे हैं? ओ भाई ये तो हवा में उड़ रहे हैं। ओहो मुश्किल हो जाता है। गए हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग वाइप आउट होने वाले हैं, जैसे कि हाफिज के वक्त में हुए थे। ये लोग बताते क्यों नहीं, ये लोग वार्निंग दे देते भाई, इसके ऊपर सर के ऊपर कुछ लिख देते, मतलब कि ऐसा करके कि ये है एक इवोक्रियो मास्टर। लेकिन अब इनसे बातें करके ये पता चलेगा हम लोग हार गए मेरे ख्याल से। ओ ये लोग अपने क्रियो को चेंज भी कर सकते हैं भाई। मेरे ख्याल से हम लोग मर गए, बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है।
अब गए हम लोग, जाएगा हमारे भी ख्याल से। ओ बच गया, सुपर इफेक्टिव नहीं था ये फेनोमेना, हमला सुपर इफेक्टिव नहीं था। चलो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को, ओ मेरे पास एक तरकीब है, हमारे पास तो ताकतवर क्रियूज थे ही, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं, नौरोह का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या हमारा भारी पर पता है नौरोह इन पर। ओ बॉडी स्लैम कर दिया हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन मेट्रो शहर में भी जाना है हम लोगों को। ओ पॉइजन था ये पहले से, चलो इसे और भी ज़्यादा हम लोग पॉइजन करते हैं। सेड स्किन भाई वो लोग रीजेनरेट भी जानते हैं, हराना तो नामुमकिन है फिलहाल के लिए, मैं समझ चुका हूँ। जब तक हमारे सारे क्रियो, और इसके पास अलग मतलब 5 क्रियो थे मेरे ख्याल से, सारे क्रियो जब तक हमारे 69 या फिर 70 लेवल के ना हुए तब तक हम लोग नहीं हरा सकते, इतना तो हमें पता चल चुका है। वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं, चलो इस हमले से फ्लिंच होते थे मुझे पता था। ओ ओ ओ रीजनरेट मेरे ख्याल से, ओ फ्लिंच हो गए हम लोग, हम लोग हमला नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट हमला हम लोग नहीं कर पाएंगे, वही कर पाएंगे। चलो वॉर्टेक्स अगर अच्छा खासा हमला हुआ तो एक बार में मर गया, वो मर जाएगा मेरे ख्याल से। ओ हो एक अलग दुनिया में खींच देता है, 177 का मेरे ख्याल से जाएगा। ओ वाह मेरे ख्याल से हम लोग हरा सकते हैं इसे, देखते हैं। भले ये मास्टर है लेकिन हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भला ताकतवर बने हैं ओडला के, मतलब वही जो भी हो, क्या कॉपला केव में जाकर। इलेक्ट्रॉनिक बीन कर दिया इन्होंने, नहीं हरा पाएंगे मेरे ख्याल से। और चलो चलो इसे गामा कर दिया, अब हम लोग बीटा हमला करते हैं। अल्फा बीटा गामा 3 रेज होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये गामा है तो जिससे कि पॉइजन होता है, बीटा से बर्न होता है और अल्फा से कुछ भी नहीं होता है, यानी कि गामा सबसे खतरनाक होते हैं और उसके बाद होते हैं बीटा। चलो हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों खतरनाक वाले हमले का, जिससे कि ये पॉइजन और बर्न दोनों हो जाएंगे तो बहुत तगड़ा डैमेज पड़ेगा एक बार में। ओ ये भाई रीजनरेट जानते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। ईवो क्रियो मास्टर, जितने भी ईवो क्रियो मास्टर हैं वो रीजनरेट जानते हैं बिल्कुल हमारी तरह ही मेरे ख्याल से, इसीलिए वो लोग ईवो क्रियो मास्टर कहलाते हैं, नॉर्मल क्रियो नहीं, मतलब नॉर्मल ट्रेनर्स नहीं। चलो हम लोग पैरालाइज कर दिया, ओ तगड़ा डैमेज पड़ेगा, वाह 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 वाह, एक हमले में वो जाएगा अगर हम लोग, ओ ना ना ना, वो लोग फिर से रीजनरेट ना कर लें, हम लोग पैरालाइज हो चुके थे। वाह तो को हम लोगों ने हरा दिया है, रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा, और एस्केलॉन को भी मिल रहा है, बहुत बेहतरीन। चलो इग्नोडो होने वाला है, इग्नोडो मेरे ख्याल से ये, हाँ इग्नोडो से हम लोगों ने पिछली बार निपटा था हल्का सा, वो फायर और अर्थ टाइप था। चलो देखते हैं, ओके ओके ओके, तो हम लोगों को डबल एडवांटेज है मेरे ख्याल से, हम लोगों को अभी हीलिंग स्प्रिंग कर लेना चाहिए क्योंकि इनके पास भी हीलिंग वाले हमले हैं। अगर ईवो क्रियो मास्टर को हम लोगों ने हरा दिया तो हाफिज़ की खैर नहीं, कसम से बता रहे हैं हाफिज़ को जाएंगे और बदला लेंगे, दिखाएंगे कि हम लोग कितने ताकतवर बन चुके हैं। वो भी ईवो क्रियो मास्टर अपने आप को बता रहा था ना, हम लोग भी ईवो क्रियो मास्टर से कम नहीं रह पाएंगे अगर इसे हरा दिया तो। देखते हैं भाई, नो 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 नो, हम लोग जाएंगे मेरे ख्याल से। आइटम का इस्तेमाल शायद हमें गए 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 जीरो को, जीरो हम लोग जीरो पे जिंदा है अभी मेरे ख्याल से। हम लोगों को मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, अब सिफा वियाल का इस्तेमाल कर देते हैं इस पर एस्कैलॉन पे, देखते हैं कितना एक्सपीरियंस मतलब एचपी हील होता है। 96 का ही हील हुआ, फीनिक्स फायर नहीं। चलो मेरे हमारे पास वो तरकीब है ही, सबसे पहले उसे पॉइजन करो, यानी बैडली पॉइजन करो और फिर बैडली बर्न कर दो, सिंपल सा फंडा पंच का। नूरो का इस्तेमाल करते हैं, बस मर मत जाना नूरो। मुझे मेरे ख्याल से हमें सेफा स्टार्ट का इस पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, वोल्केनिक ब्लास्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, अब हम लोगों को शायद सेफा स्टार्ट का इस पर इस्तेमाल करना होगा, अगर हमें ये मैच जीतना है किसी तरीके से तो हमें इसे मरने नहीं देना है, पूरा फुल हो जाएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। ओ हाँ पूरा फुल हो गया, सेफा स्टार्ट से पूरा फुल होता है भाई, काफ़ी अच्छा। चलो अब गामा हमला करते हैं, नहीं 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 नहीं, इससे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला मैं बता सकता हूँ, 52 का ही पड़ा सिर्फ इरप्शन से, लेकिन बर्न हो गया उसका वो इलाइट। गामा मिस होता है शायद, वो हमें अंधा कर चुका है मेरे ख्याल से। चलो अब रिकवर करते हैं, हम लोग रिकवर जानते हैं तो फालतू का पोशन वगैरह का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लिनसिंग रे था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एचपी हमारी हील हो गई भाई, लॉक्ड ऑन भी हो चुका है मेरे ख्याल से, सारे कंडीशन से भी हम लोग हट चुके हैं। फीनिक्स फायर नहीं, ओ भाई ये क्या कर रहा है यार, हमेशा ईवो क्रियो मास्टर से लड़ना एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस होता है मेरे ख्याल से। चलो हरा दिया इसे, हवा में बड़ा तैर रहा है ना, देखते हैं। हम लोग भरा तैर नहीं सकते हवा में, लेकिन फिर भी हम लोग दिखा सकते हैं कि वो क्यों मास्टर को टक्कर दे सकते हैं भाई, हमें भी आखिरकार वही बनना है जो बैडली
ठीक है, मेरे ख्याल से अब फिनिक्स फायर के बाद में इस्तेमाल नहीं, मेरे बच गए बच गए। चलो इसे बर्न कर देते हैं जल्दी से। नहीं मिस 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 डैमेज बाय सर्च। हम लोगों को इतना ज़्यादा यूज़ शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इसके बाद हम लोग ओ नो इतना कम छी 132 का है। हम लोग बहुत मुश्किल हो गया मेरे ख्याल से। ओ हो हो ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमें जल्द से जल्द मतलब इन्हें इन पे हमला करना होगा, जिससे कि ये लोग अपना पहला इस्तेमाल मतलब फिनिक्स फायर ना कर लें। फिनिक्स फायर इसके पास हमले हैं, जिससे कि वो अपने आप रिकवर कर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों को करना होगा। बॉडी स्लम कर दिया, जिससे हम लोग पैरालाइज हो सकते हैं। शैडो फॉल कर दिया, प्लीज़ एक बार मार दो। यस 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 यस, बहुत अच्छे। इसके अलॉन को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिली है। लेस रेट हमला हम लोग मड्रा को भेज रहे हैं, तो मड्रा इसका आखिरी होने वाला है मेरे ख्याल से। अब हम लोगों को उसको मतलब मड्रा को भी हम लोग हरा सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन इससे पहले हम लोगों को अब मेरे ख्याल से सारे आइटम्स को ये लोग यही इस्तेमाल हमारा करवा लेंगे। एक ताकतवर फिनिक्स स्टार हमारे पास इतने सारे मिल चुके हैं। चलो हम लोग इस पर इस्तेमाल करते हैं एलुवियन पे, यह हमारी रिवाइव देगा और साथ में हमारी सारी मतलब कर देगा सारी हील कर। लैंडस्लाइड हम लोग जाएंगे मेरे ख्याल से। मर गए, बच गए बच गए बच गए, बहुत बेहतरीन। चलो हम लोग अब इसका इस्तेमाल करते हैं एलुवियन का, इसे हम लोग इसे बर्न कर देते हैं। लेकिन एलुवियन चलो चलो बर्न करते हैं फिर पॉइजन करते हैं। ये हमेशा स्ट्रेटेजी काम आती है बर्न और पॉइजन। ओ मिरर आ चुका है हमारे पास, मिरर से उस पर हम लोग वापस से डैमेज दे देंगे। प्लीज़ 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 देखो इससे एक तरीके भाई इतना अटैक मिस होता है, इतना ज़्यादा सीरियसली बहुत ज़्यादा अटैक हमारा मिस हो चुका है। इसका मतलब ये वीटा हमला बार बार मिस ही होता है एक तरीके से। इससे अब उनका अटैक मिस होगा क्योंकि इससे वो अंधे हो जाते हैं इसका स्पेशल हमला से। चलो अब वीटा हमला करते हैं, उससे वो बर्न हो जाएंगे, बैडली बर्न होंगे, बर्न नहीं डायरेक्ट बर्न होंगे। चलो प्लीज कंफ्यूज हो चुके हैं हम लोग। ओ बीटा हमला हो चुका है, काफ़ी अच्छा। अब उसका अटैक मिस हो, ओफो फ्राइटेंड भी हो चुके हैं। अब तो भाई वो लग गया, अब हम लोग ईवो क्रू मास्टर बन गए एक तरीके से बन गए, क्योंकि हम लोगों ने ईवो क्रू मास्टर को एक तरीके से हरा दिया है। बने नहीं है लेकिन बन जाएंगे, इसे हराने के बाद तो भाई बनना ही है, क्योंकि एक ईवो क्रू मास्टर इतना ताकतवर हो सकता है। वो बारो कर लिया, प्लीज़ प्लीज़ उससे छुटकारा मत पाना बैडली बर्न से। ओके ओके बहुत अच्छे, छुटकारा नहीं पाया। अब हम लोग बैडली पॉइजन इसे करने वाले हैं। फ्राइटेंड हो चुका है तो ये हमला नहीं कर पाएगा नेक्स्ट हमला अपना। हाइड्रोप्लेन कर रहा है, फिर भी कर रहा है। ईवो क्रू मास्टर के पास शायद होते होंगे ये कैपेबिलिटीज़ को फ्राइटेंड को भी पीछा छोड़ दे। गामा कर दिया हम लोगों ने, अब इससे डबल डैमेज खाएगा मेरे ख्याल से। बर्न तो था ही, अब देखते हैं। वॉर्टेक्स हमला का इस्तेमाल करते हैं, फ्राइटेंड है, प्लीज़ बैड। ओ बहुत अच्छे, दोनों से डैमेज खाया ईवो क्रू मास्टर तो। यस यस यस, आखिरी हमला होने वाला है। ओ भाई देखते हैं ये हमें क्या ज्ञान का मतलब तोहफा कुछ की बात कर रहे थे, बहुत ज्ञान बांट रहे थे। देखते हैं इस कर्रो को हम लोग ने हरा दिया, जैसा कि मुझे लगा था। ओ बहुत लग रहे थे इसे। ओ तो ये वो बात बोल रहा है, इवोकर की ताकत उनकी क्रियो और उनके बीच के बॉन्ड से आनी चाहिए। ओ ठीक है, अपने बॉन्ड को यानी बंधन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाओ और तुम एक दिन ईवो क्रियो मास्टर जरूर बनोगे। वाह यार तोहफा कहाँ दिया हमें, खुद को समझने और खुद को देखने के लिए कुछ वक्त निकालो। ओ भाई ये बोल रहा है कि हमें अकेले में थोड़ा सा वक्त को गुजारना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने बारे में अच्छे खासे की चीज़ें सीख सकें। चलो ये भी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन हम लोग इसे आजमाएंगे कभी। ओ इलेक्ट्रॉन मेट्रो में आपका स्वागत है, यहाँ के लग्जेरियस होटल्स में रुकना ना भूलें। ओ यहाँ पे होटल्स भी है, यानी कि स्कूल और म्यूजियम तो है ही लेकिन होटल्स भी है। देखते हैं क्या तुमने क्रियो के ट्यूटर हाउस को घुमा है, जो कि तुम्हारे क्रियो को सारे मूव्स ट्रेड्स और एबिलिटीज सिखा सकता है जो कि वो भूल चुके हैं अपने मतलब लेवल अप करते वक्त में। ओ हो हो ये होने वाला है म्यूजियम मेरे ख्याल से। ओ तो म्यूजियम यहाँ के कमाल के है, मतलब यहाँ के ठीक है ठीक है ठीक है, जो कि ओके क्रियो कैसे जन्मे हैं उसको उसका दिखावा करने के लिए यहाँ पे मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें रखे हुए हैं, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। और ये क्या तुम जानते हो यहाँ पे एक रेस हुई करती थी इससे विपरीत डायमेंशन में, यानी पैरेलल डायमेंशन में,
जिसे अल्फाइट के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने सबसे पहला क्रियो को बड़ा किया था, पाला था। ओह ऐसी बात है, चलो हम लोग म्यूजियम में जाकर देखते हैं। भाई म्यूजियम में काफी मजा आने वाला है, म्यूजियम में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं म्यूजियम में। ओके तो हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम के बाहर और चलते हैं अंदर में। तो ये बोल रहे कि नए एग्जिबिट यानी नए सामान आए हुए हैं, जो कि नए देखने वाले चीजें जो भी हो। और यहाँ पे वाओ, आधुनिक रिसर्च प्राइम क्रियो और अल्फाइट्स के बारे में। तो हमें शायद उसके बारे में पता चलेगा, अल्फाइट्स और प्राइम क्रियो आपस का कनेक्शन है क्या आपस में। जीनीथ म्यूजियम एक ऐसी चित्रकारी जो कि इवोक्रियो के बारे में कुछ कुछ बता लिखे हुए बताते हैं, जो भी हो। ओ भाई मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझसे बातें करते हैं। भाई ये लोग स्कूल के बच्चे लग रहे हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं तुम मजाक कर रहे हो क्या, मैं इसे तोड़ डालूंगा। ओ क्या तुमने मुझे देख लिया? नहीं 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 नहीं, ओ मैंने तुम्हें देखा नहीं, सॉरी। वो तो ये बोल रहा है कि भाई क्या तुमने मुझे देखा, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सच में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे भाई बच्चे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग शैतानी करना चाह रहे थे, ये किसी चीज को डोनट की तरह जो चीज है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। चलो हम लोग देखते हैं ये क्या होने वाला है। एक प्राचीन अल्फाइट पोर्टल, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अल्फाइट इन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते थे सिर्फ क्रियो को ही नहीं, बल्कि दूसरे अल्फाइट्स और सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट करने के लिए। ओ अल्फाइट्स के पास भी पोर्टल था, यानी कि अल्फाइट अच्छे खासे हो सकते हैं। छी ये कितना घटिया लग रहा है, देखते ये क्या है। ये साधारण सा पोर्टल शुरुआती इंसानों के द्वारा बनाया गया था क्रियो को बुलाने के लिए। छी इंसान इतने घटिया बनाते हैं। और ये बहुत हद तक अल्फाइट पोर्टल की तरह दिखते हैं। ओ और ऐसा माना जा, और बहुत हद तक एक्सपर्ट्स को लगता है कि अल्फाइट का वर्चस्व शुरुआती इंसानी के जो डेवलपमेंट होते हैं उस पे बहुत ज़्यादा रहा है। भाई एक मिनट, अल्फाइट्स क्या कौन होने वाले, ये लोग अल्फाइट किसको बोलना चाह रहे हैं। देखो ये अल्फाइट्स का पोर्टल है जो कि एकदम अच्छा खासा लग रहा है देखकर, और ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया पोर्टल है, यानी कि एक तरह से यहाँ पे साबित होता है कि अल्फाइट उच्च दर्जे के मतलब लोग वगैरह हैं। कौन होने वाले, और शुरुआत में जब इंसान सभ्यता वगैरह बनाना चालू किए थे मेरे ख्याल से उस समय से ही अल्फाइट वगैरह है, और उस समय अल्फाइट इंसानों पर राज किया करते थे एक तरीके से। ओह भाई कुछ भी ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन चलो देखते हैं भाई अल्फाइट कौन होने वाले हैं। अगर असली में अल्फाइट हुए तो खैर नहीं, देखते हैं। ओ यहाँ पे इस टैबलेट पे जो लिखा हुआ है वो हल्का सा खरोचा जा चुका है, लेकिन इसका जो लिखावट करने वाला क्वा यह है। अरे हाँ, हम लोगों ने सबसे पहला जो टैबलेट था उस पर भी लिखा हुआ था क्वा यह के द्वारा लिखा गया था वो, क्योंकि राजा को एक बहुत ताकतवर किंगडम चाहिए था। उसके लिए उन्होंने क्रियोज को पकड़ना चालू किया, सबसे ताकतवर क्रियोज को, और उन्हें पालतू बनाना चालू किया। और देखते हैं भाई वो राजा कहीं अल्फाइट्स ही तो नहीं थे। देखते हैं भाई आने वाले वक्त में काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत सारे रहस्य को पता चलेगा। अल्फाइट्स और क्रियो, पहले क्रियो के बीच का संबंध काफ़ी कमाल का है। ओ वो हर बार एक न एक कमाल के मतलब इतिहास को बताते हैं, जो भी हो। ओ काश मैं एक प्राइम क्रियो को पकड़ पाता। ओ मुश्किल भरी बातें यही है कि वो काफी ज्यादा कीमती है प्राइम क्रियो। भाई हम लोगों को भी एक प्राइम क्रियो चाहिए यार, कैसे भी दिला दो। इस टैबलेट पे वो प्राइम वॉर्ड्स के बारे में लिखा गया है, मॉल्स जो कि गांव को तबाह कर चुके थे, और उन्होंने उन सभी क्रियोस को भी तबाह किया जिन्होंने हमें हमारा साथ दिया। अगर हम लोग वहां से नहीं निकले तो हम हर कोई मारा जाएगा। ओ ये माल कौन होने वाले हैं? माल वैसे क्रियो को कहा जा सकता है जो कि अल्फाइट्स पे हमला किया करते थे। माल मतलब होता ही है
दूषित, एक तरीके से बुरा होना, माल फंक्शन, माल न्यूट्रिशन उसी से आते हैं, उसी मतलब शब्द से आते हैं, माल मतलब लगा देना उसके आगे जो भी हो मेरे ख्याल से। तो ये बोल रहे कि अल्फाइट्स पे ही हमला कर डाला माल्स ने, और जो क्रियो, जो अच्छे खासे क्रियो भी थे, क्रियो में बुरे भी होते हैं, बुरे क्रियोस को माल्स कहा जाता है और अच्छे क्रियो को क्रियो कहा जाता है, जो भी प्राइम वॉर्स इसका मतलब अल्फाइट्स और क्रियो के बीच में हुआ था, माल्स के बीच में। भाई साहब जानने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा इनके बारे में। एक अल्फाइट की हथियार, ठीक है, ऐसा माना जाता है अल्फाइट इस हथियार को क्रियो को पालतू बनाने के लिए किया करते थे। भाई किस तरीके से मारते होंगे क्रियो को पालतू बनाने के लिए, उन पे अत्याचार तो नहीं किया करते थे ना ये लोग। एक अल्फाइट की तलवार, ये ओके, ये काफ़ी मतलब राज किए मतलब स्टाइल में, यानी कि भाई ये राजा का तलवार हो सकता है मेरे ख्याल से। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक अल्फाइट राजा के द्वारा इस्तेमाल किया जा किया गया था प्राइम वॉर्स के दौरान। ओह तो अल्फाइट से तलवार का इस्तेमाल करते थे और वो लोग क्रियो अपने अटैक का स्पेशल पावर का कौन जीतेगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। ओ मैंने इन सभी में से कुछ आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकाल खोद कर बाहर निकालने में मदद किया है। वाह काफ़ी अच्छा अप्रिसिएटेड, मतलब बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों इन्होंने निकाल दिया भाई। ये तो हल्का सा लग रहा है स्ट्रेगो पॉड की तरह। ये फायरू है, ये भी फायरू का तस्वीर है, और ये स्कैलॉर्न है जो कि हमारे पास है। ओके देखते हैं ये कौन होने वाला है। वुल्केन की आग सबसे ज़्यादा मतलब गर्म है। ओ वुल्केन भाई ये कौन सा होने वाला है। पहाड़ों में छुपे हुए एरियलिंक्स हमेशा हाइकर्स को हैरान कर देते हैं उनके ऊपर से उड़कर। भाई एरियलिंक्स वुल्केन टेरानों की जो खोपड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है और वो कभी भी पीछे नहीं हटती है आप पे हमला करने पे, अगर आपने उसके साथ आंख से आंख मिलाया तो। वो टेरानो बहुत सारे हाइकर्स ब्रंक को देख ही नहीं पाते इसके कमाल के कैमोफ्लेज के कारण। ओ ऑक्टोपस वगैरह भी कैमोफ्लेज वगैरह जानते हैं, समुद्री जीव में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे कैमोफ्लेज, बेस्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट कैमोफ्लेज उनका ही होता है। कैमेलियन भी कैमोफ्लेज जानते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सीसीन को सिर्फ मतलब तभी पता लगाया जा सकता है जब वो पानी के ऊपर आप तैरते रहो। ब्लिक्स की ये खूबसूरत स्माइल को तो देखो कितने कमाल के दिखते हैं। और भाई मेरे ख्याल से ये लोग क्या है, विजान, क्या रहस्य है भाई साहब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब प्राइम क्रियोज होने वाले हैं, प्राइम क्रियोस की ही मूर्ति लग सकती है मेरे ख्याल से। वहाँ पे बोला गया था कि हमें प्राइम क्रियोस के बारे में भी पता चलेगा और अल्फाइट्स के बारे में भी पता चलेगा, तो ये लोग प्राइम क्रियोस होने वाले हैं। वुल्केन फायर टाइप, एरियलिंक्स एयर टाइप, टेरानो टेरा मतलब होता है अर्थ, तो ये अर्थ टाइप होगा, और ये ब्रंक सुपर कैमोफ्लेज हाइकर्स से मतलब हुआ। ये लोग पेड़ पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, ये यानी कि प्लांटे टाइप होने वाला है, यानी कि ग्रास टाइप होने वाला है। और सी सीन यानी कि ये समुद्र के ऊपर ही मिलेगा हमें, तो ये होने वाला है वाटर टाइप, और ये ब्लिक्स का जो भी हो नॉर्मल टाइप या जो भी हो, और ये है मिजान। ये क्या रहस्य है, मिजान की ही सिर्फ एक यहाँ पे स्टैचू नहीं बनाई गई है, बाकी बहुत सारे के स्टैचू बनाए गए हैं। मेरे ख्याल से ये सारे क्रियो का बीज होगा, यानी कि सबसे मेन क्रियो यही होने वाला है। भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहा, म्यूजियम में आना इसका मतलब बेकार नहीं गया, हमें पकड़ना ही होगा इन सभी प्राइम क्रियोज को, हम लोगों को पकड़ना ही होगा कैसे भी करके। भाई अगर एक दो हाथ में आ गए, एक भी हाथ में आ गया तो भाई उसके बाद तो हम लोग पूरे दुनिया के बेस्ट इवो क्रियो मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक किसी भी इवो क्रियो मास्टर के पास एक भी प्राइम क्रियो नहीं देखने को हमें मिला है इन समय में से। हाँ हमने इससे बात कर लिया हुआ था, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके जीनित के स्कूल, यहाँ पे सबसे बेहतरीन और सबसे प्रतिभाशाली इवोकर्स रह चुके हैं यहाँ के। ओके ये सबसे बेहतरीन है इवोकिंग के बारे में सीखने के लिए। देखते हैं इसमें क्या सिखाते हैं, मुझे उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मतलब वही घिसी पिटी बात है बस मैंने सिखाया। इवोक्रियो स्कूल में क्या सिखाया जाता है देखते हैं। ये जीनित का स्कूल है, यहाँ पर सबसे बेहतरीन और प्रतिभाशाली इवोकर्स का घर माना जाता है जो भी हो। ओह कॉम्बिनेशन क्या था, मैं लॉकर के कॉम्बिनेशन वापस से भूल चुकी हूँ, क्या वो 718 था या 6211111
जाओ अपने प्रिंसिपल से पूछो, हमें क्या पता होगा। चलो देखते हैं आगे में। ओह मैं बहुत देर हो गया, एक बहुत खास दिन के लिए। ओह चलो कम से कम सिर्फ एक क्लास के लिए ही हुआ। ओह चलो निगेटिविटी में भी इन्होंने पॉजिटिविटी को ढूंढ लिया। वाह अपने आप को देखो, ओके अपने आप को देखो और इन बच्चों को देखो, ये बच्चे कल के इवोक्रियो मास्टर है। ओह बुढ़ा बहुत ज़्यादा बोल रहा है हम लोगों के बीच में। नहीं यार लिटरली ये क्या बोल रहा है, अपने आप को देखो मतलब हम लोग इवोक्रियो मास्टर नहीं बन सकते हैं, जो पढ़ेंगे सिर्फ वही बनेंगे क्या, ऐसा ये लोग मान रहे हैं। हम लोग के पास भाई इन सभी से ज़्यादा नॉलेज है भाई, इन्हें क्या पता कि हम लोग प्लैनेट अर्थ से हैं। चलो जो भी हो ये लोग चीनी की धरती पे रह जाएंगे। ओके 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 ओह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों जानने को मिलेंगे आपको इवोक्रियो के बारे में। मास्टरो के द्वारा ट्यूटोरियल ऐप इन्होंने डाउनलोड किया है और इसको इनके पास बुनियादी नॉलेज है इवोक्रियो के मास्टर इवोक्रियो के बारे में। जो भी हो चलो देखते हैं बच्चे लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्लासरूम में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये सो रहा बच्चा। नहीं मैं जगा हुआ हूँ। भाई क्या कैसे कैसे बच्चे होते हैं। मैं कमाल की किताबें पढ़ रहा हूँ जिसमें क्रियोज के एबिलिटीज़ के बारे में। चल तू स्कूल में पढ़ रहा है ना तो मैं तेरे को सीधा पढ़ाता हूँ। हमारे पास स्कैलॉर्न है जो कि वाटर टाइप क्रियो होते हैं जो कि स्विम एबिलिटीज़ जानते हैं और लावा सर्फ भी जान सकते हैं, फ्लाई एबिलिटी भी जानते हैं। चल अब तू सिखाएगा मुझे, सिखा। देखते हैं ये बोल रहे कि ठीक है एबिलिटी ट्रेट से अलग होते हैं क्रियो। ठीक है क्रियो के इफेक्ट्स जो भी हो जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है एबिलिटी स्विम के बारे में। अरे भाई हमें पता है वो पानी के ऊपर हम लोग तैर सकते हैं, ये हम लोगों को पहले से ही पता था और ये लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। वाह पढ़ते रहो तुम लोग भाई। असली जब तक हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं होगा, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, इस पूरे जीनीथ में घूम घूम कर हर एक क्रियो के बारे में नहीं पता लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ बैठ कर ही नहीं कुछ होने वाला है। किताबी कीड़े ये लोग हैं एक तरीके से। ओके हाँ हमें पता है हमारा जो मालिसा था उनके पास एक टॉक्सिक ट्रेट था जिससे कि अगर हम लोग कोई भी हमला करेंगे, साधारण हमला भी करेंगे तो उसे पॉइजन होने का चांस है और बहुत सारे ट्रेट वगैरह होते हैं जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। पता है भाई। ओ स्टर्डी ये स्टर्डी के बारे में हमें बताया जिससे कि डिफेंस बढ़ जाएगी इवोक्रियो के। ओके ठीक है दो एलिमेंट के हो सकते हैं। हाँ हमारा रावियान जो है एक फ्लाइंग और जो भी हो फ्लाइंग और लाइट टाइप है ठीक है ना, और उनके पास क्लास भी हो सकते हैं। क्लासेस अलग ताकत देते हैं और कमजोरियां देते हैं एलिमेंट को। ठीक है समझ गए पढ़ो बहुत अच्छे से ये लोग पढ़ रहे हैं वैसे। ओह मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं क्लास पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर पर। देखते हैं टीचर क्या पढ़ा रहा है भाई। टीचर भी सभी लोग ध्यान दो यहाँ पर। हाँ सर क्रियो के 9 एलिमेंट्स होते हैं भाई। हम लोगों ने इसका सही जवाब देकर नाजा क्रियो को ले लिया हुआ है। एक किसान को भी ये पता था कि क्रियो के 9 एलिमेंट्स होते हैं, हमें भी पता था कौन कौन होते हैं। हमें भी पता है फायर वाटर अर्थ एयर नेचर इलेक्ट्रिक लाइट डार्क एंड नॉर्मल। हाँ पता है मत सिखा। और सभी के पास ताकत होते हैं और कमजोरियाँ भी होते हैं, सिर्फ नॉर्मल टाइप के जिसके पास कोई भी ताकत और कमजोरियाँ नहीं है। ओह नॉर्मल टाइप को पकड़ने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा भाई, क्लासरूम कितने ज़्यादा। चलो भाई बच्चे लोग देखते हैं भाई बच्चे लोग के दिमाग में क्या भरा हुआ होता है देखते हैं। ये हमें लग रहा है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, ये थोड़े से हाई क्लास में हम लोग आ चुके हैं, थोड़े से हाई स्कूल टाइप के लग रहे हैं। क्या तुम्हें पता है जो लकड़ियाँ जलती है स्टॉव्स पे जो भी है आँख के जो चूल्हे वगैरह जलते हैं उनसे जितने भी कण वगैरह निकलते हैं उसे जो मिडिल स्कूल्स में जितने भी एब्सेंट्स करते हैं बच्चे लोग उसके साथ उसे मतलब मेल कराया जाता है भाई। जो भी हो क्या बोल रहा है भाई। आग भाई चूल्हे का आग से निकलने वाले कण और एब्सेंट किए हुए बच्चे में क्या मतलब क्या ये लोग रिलेशन ढूंढ दिए भाई। यही पढ़ रहे हैं ये लोग, यही पढ़ रहे हैं। लेट्स डू दिस हैंडशेक टाइम। चलो हाथ मिला लो बच्चे। ओ तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया लड़के। भाई ये लोग हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से। एक चाटा देंगे भाई निकल लेंगे ये लोग रियली एमएस। जो भी हो देखते हैं ये लड़की बहुत ओके। ओहो मेरे पास एक परिवार है उसका ख्याल रखने के लिए और मैं अपने पीएचडी कर रही हूँ और मुझे इन सभी बेवकूफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हमें पता था ये बेवकूफ़ी है। ओके मैं टू डायमेंशनल पैसा क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। रेंज डिपेंडेंट अकाउस्टिक यानी कि मेरे ख्याल से ये म्यूजिक वगैरह के बाद में अकाउस्टिक मॉडल को 3 डायमेंशनल
में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐप को भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं भाई। चलो भाई, फ्यूचर में तुम डॉल्बी एटमॉस को बनाओगे, बहुत अच्छे। ड्यूड, स्पेस दो मुझे, जगह दो भाई साहब। और मुझे कुछ पीनट बटर दो और मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। भाई कवाल के, चलो प्रोफेसर क्या पढ़ा रहा है देखते हैं। लीरॉय जेनकिंस प्रेजेंट सर। ओ भाई। चलो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। -2 + 2 = 0। बहुत बेहतर रेन। चलो भाई, बच्चे लोग तो अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, चलो काफ़ी अच्छा। ऐसा देखकर अच्छा लगता है कि ये लोग पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सीधा झक मार रहे हैं भाई। ओके ओके, समझ गए भाई। जाओ जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करो और घर निकलो। क्या तुम्हें कॉस्प्ले पसंद है? ओ ये हम लोग किस है भाई, किस क्लास में आ गए? एनवे क्लास में आ गए क्या? मुझे कॉस्ट्यूम्स पे काम करना बहुत पसंद है। वाओ, चलो निंजा निंजा खेलते हैं और मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। ओके ठीक है, समझ गया। इसके क्रियो के स्टैट्स बहुत ज़्यादा है। मैं एक कमाल के मांगा लिख रहा हूँ जिसमें एक बहुत ही बड़े रोबोट होंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी और कमाल के खतरनाक वेपन्स होंगे, और जो उसका विलन होगा वो तो सोच में कमाल का होने वाला है। भाई साहब, ठीक है, ये आर्ट एंड एनिमे क्लब में हम लोग आ चुके हैं मेरे ख्याल से। चलो इन सभी से हम लोगों ने बात कर लिया है। क्या तुम इवोक्रियो कार्ड्स कलेक्ट करना पसंद करते हो? मैं उनके सारा कलेक्ट, हमें नहीं पता इवोक्रियो कार्ड्स भी होते हैं। डू यू बाइट योर थंब एट मी? हैव एट थी, आई विल टीच यू इन शेक्सपियर स्टाइल। भाई साहब, शेक्सपियर के स्टाइल में ये लोग मतलब अलग अलग पोएम की तरह पढ़ा रहे हैं हमें। चलो भाई निकलते हैं, मेरे ख्याल से हो चुका है अब। बहुत हम लोगों ने जीनी थी स्कूल में, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया भाई, किताबी कीड़े भाई, ये लोग सच में किताबी कीड़े हैं, और मुझे नफरत है किताबी कीड़ों से, कसम से बता रहा हूँ, सच में। क्या भाई, असली एक्सपीरियंस तो भाई एक्सपेरिमेंट्स करके ही होगा। चलो बहुत बेहतरीन, हम लोग म्यूजियम में भी आ चुके हैं, और स्कूल में बहुत बोरिंग दिन रहा, लेकिन चलो अच्छे खासे थोड़े बहुत हमें नॉलेज मिल चुके हैं, जो कि हमारे पास शायद पहले से ही था इवोक्रियों के बारे में। चलो देखते हैं, अल्फाइट और प्राइम कीड़ों के बारे में, ये कमाल की बात है, इतना तो हमें पता चल चुका है। ठीक है, ओके बहुत बेहतरीन। तो ये हमें बोल रहा है कि अल्फाइट्स बेचारे तो नहीं बोल सकते, अल्फाइट के पास टेक्नोलॉजी अच्छे खासे थे। अल्फाइट्स का जो डायमेंशन था उसमें बहुत ही ऊबर खावर हुई थी, यानी कि बहुत लड़ाइयाँ वगैरह हुए थे, तो इसीलिए उन्हें भागना पड़ा इस वाले डायमेंशन में। यानी कि एक मिनट, इस वाले डायमेंशन में तो क्या हमें अल्फाइट से मिलने का मौका मिल सकता है? अल्फाइट मेरे ख्याल से अच्छे खासे दर्जे के लग रहे हैं, वो हम इंसानों से अलग हो सकते हैं मेरे ख्याल से अल्फाइट। देखते हैं, वैसे हम लोगों को पता चलेगा। अगर हाँ, हम लोगों को लिंक खरीदना है तो मेरे पास एक कमाल का तरकीब है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे कि हम लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम लोगों को कि अटैक बढ़ जाएंगे, मतलब क्रिटिकल चांसेस बढ़ जाएंगे बैटल में, और इससे हम लोगों के क्रियो के पकड़ने के चांसेस, यानी कि अगर हम लोग किसी क्रियो को पकड़ने वाले होंगे तो इसको एक्टिवेट कर देंगे, और जब हम लोग को सफ़र करना होगा तो हम लोग स्पीड बढ़ा लेंगे। लेकिन अभी हम लोग को बाई करना है तो हम लोग सारे आइटम्स को आधे दाम पे ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं, रुक जाओ। यहां पे अभी हमें 100 में लिंक मिल रहा है और 300 में 100 लिंक, तो अभी आप लोग शौक होने वाले हो कि कितना कमाल का फ़ायदा हो सकता है अगर हम लोग सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो। यहाँ पे देख सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे इसका इस्तेमाल अब करने वाला है। चलो बार्गेनर हम लोगों ने खोल लिया है, यहाँ पे हम लोग बार्गेनिंग करेंगे कि हेलो अंकल जी, थोड़ा सा सस्ता दीजिए ना, हम लोग इवोकिंग मास्टर बनने वाले हैं आने वाले वक्त में। देखो भाई, डायरेक्ट आधा कर दिया इन्होंने, डायरेक्ट आधा कर दिया भाई। चलो इधर खरीद लेते हैं, 5 खरीद लेते हैं, ऐसे 5 खरीदने में हमें 500 लगते हैं डायरेक्ट भाई, मिल गया 250 में, मिल गया आधा में मिल गया। और हमें एक दो ब्रेड क्रम्स दीजिएगा क्या? चलिए 2 दे दीजिए आप। चलिए और फिनिक्स ड्रॉप ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं भाई, काफ़ी पैसे हैं यार अपने पास। चलो बोटा वियल भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ओके इलेक्ट्रिक जेमा सॉकलिंक, चलो और जेमा भी ले लेते हैं 1-2। बहुत पैसे हो गए भाई अब। चलो अब स्पीड हमारी काफ़ी कम हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कितना धीरे धीरे धीमे चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग को सफ़र करना है तो चलो। और क्रियो को पकड़ने से पहले हम लोग ये वाला इक्विप कर लेंगे, इंक्रीज चांस टू कैप्चर वाइल्ड क्रियो। भाई काफ़ी मज़ा आ गया, अब हम लोगों को अरेना में मेरे ख्याल से जाना होगा।
ओके, देखते हैं, हमारे पास अभी पॉइंट्स नहीं है, एक और पॉइंट चाहिए और जीनित की भी हमें चाहिए उसके लिए, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले स्पीड बढ़ चुकी है। ऐसा बोल रहा है कि हीवो को बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी हम लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं एक तरीके से। ओके तो आज के लिए नहीं, देखते हैं पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे होने वाला है हमारा इलेक्ट्रॉन मेट्रो का अरेना। सबसे पहले हम लोग अरेना में जाएंगे, उसके बाद यहाँ के रैड को ढूंढेंगे, रैड को भी हम लोगों को ढूंढना है, उसके बाद हम लोगों के पास आखिरी जी मतलब हो जाएगा। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको अल्फाइट और उनकी टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में पता चला होगा, और प्राइम क्रूज को पकड़ने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं सच में बता रहा हूँ, हमें पहला प्राइम क्रू कब मिलेगा वो पता चलेगा ही, लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों को अरेना में हराना होगा, और इसके बाद इसके डिफेंडर को भी हराएंगे, यानी कि रीजनल अरेना डिफेंडर को, जिससे कि हमें यहाँ पे एक चाबी का हिस्सा मिलेगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद। और फिर मेरे ख्याल से आगे वाले वक्त में प्राइम क्रू की तलाश में हम लोग निकलेंगे। हम लोगों ने इवो क्रू मास्टर को आज हराया है और खुद इवो क्रू मास्टर बनने के सफर में निकल चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा मजा आया। इस शहर में हम लोग और भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे एक बिल्डिंग में है, उसमें भी जाएंगे अगले बार। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मजा आया। अगली बार हम लोग प्राइम क्रू को पकड़ के ही रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।